से ही हमने ये बात कल भी उठाई है और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रचार अभियान में खलल डालने की कोशिश की उस विषय को लेकर के भी हम कल रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी दूसरे अधिकारियों से हमारा मिलना हुआ है और हमारा ये कहना है और काफ़ी समय से ये विश्वास है कि बंगाल में मुख्यमंत्री ने वहाँ के सारे प्रबंधन को और प्रशासन को इस प्रकार जकड़ करके रखा है कि वो उनकी प्राथमिकताओं और इच्छाओं से बाहर कार्य करने में असहाय है और इसीलिए हस्तक्षेप अनिवार्य है, भले ही वो केंद्र की ओर से हो, भले ही वो इलेक्शन पुलिस की मांग की थी डिप्लॉयमेंट की, कल आप लोगों ने मांग रखी थी 19 तारीख में, ज्यादा समय नहीं है, वो आप लोगों की मांग जो कल रात रखी गई वो कहां तक पहुंची है? आपका कहना ठीक है, कल हम जो रात को मिले थे उसके बाद जब मीडिया ब्रीफिंग मुख्तार नकवी साहब ने कही तो उन्होंने ये बात आपके साथ साझा की थी। इसके उत्तर में हमें इलेक्शन कमीशन की ओर से ये बताया गया कि आज वो दो एक महत्वपूर्ण बैठकें करने वाले हैं, उसके उपरांत जो भी निर्णय होगा वो उसको हम तक सूचित। सर एक सवाल है मेरा, जो हिंसा पूरी हुई है सर, राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे सर? बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे सर, बात सामने आ रही राष्ट्रपति शासन की हिंसा के बाद सर, राष्ट्रपति शासन की बात आ रही हिंसा के बाद या चुनाव आयोग के बाद? एक बार फिर से बहाल करने सर, धरने प्रदर्शन से सर क्या संदेश देंगे सर? सर इस धरने प्रदर्शन सर एक छोटा सवाल है सर, धरने प्रदर्शन सर एक संदेश सर प्लीज सर, मेरा सवाल अरे छोटे यार ये हो गया, धरने प्रदर्शन से सर क्या देंगे प्लीज सर, एक सवाल है अरे छोड़ दे अब हो गया एक आखिरी सवाल सर, क्या संदेश देंगे सर? एक प्लीज अरे छोटे यार ये सर मेरा सवाल नहीं आया सर, मैं तो वहाँ से बैठ पूरी घटना का असर क्या अंतिम चरण के चुनाव के नाम सर आगे आ अरे अभी तक वही चल रहा सर, एक मेरा सर एक ये राष्ट्रपति की बात आ रही है, राष्ट्रपति शासन लगा, ये चुनाव के बाद लगेगा अभी सर, ये बस एक सवाल है सर, बताइए ना